अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने ब्लड सप्लाई ऑफ किडनीज तक बात की थी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की। बेसिकली किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, जिसने बेसिकली सारी यूरिन की प्रोडक्शन करवानी होती है और सारा काम और सारा फंक्शन नेफ्रॉन करा रहा होता है। ठीक है, अब शुरू में उन्होंने कुछ नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हमें बताए हुए हैं, ठीक है, जो आप लोग बेसिक है, बिल्कुल आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, जिसको हम लोग बुक से देखते हैं, इसको मैंने तो मेंशन नहीं किया। अच्छा, हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है रीनल कॉर्पसल। सो दिस इज़ द रीनल कॉर्पसल। ठीक है, रीनल कॉर्पसल को एक कप शेप्ड कैप्सूल ने सराउंड किया होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमैंस कैप्सूल कहते हैं। रीनल कॉर्पसल के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब जो इसका रीनल कॉर्पसल है, इसके फर्दर दो पोल होते हैं, एक वैस्कुलर पोल होता है, एक यूरिनरी पोल होता है। इसको हम बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छी तरीके से। ये एक्सटेंड करता है, ये कॉन्टिन्यू होता है उसके साथ प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल होती है, ये बेसिकली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्विलेटेड पार्ट होता है और एक स्ट्रेट पार्ट होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट पार्ट जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है लूप ऑफ हेनले के साथ। लूप ऑफ हेनले के तीन सेगमेंट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग थिन सेगमेंट, ठीक है, इसके अलावा एक असेंडिंग थिन सेगमेंट और एक थिक असेंडिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग सेगमेंट हमारे पास लूप ऑफ हेनले का कॉन्टिन्यूस हो जाता है डिस्टल जो ट्यूब्यूल होती है उसके स्ट्रेट सेगमेंट के साथ। दिस इज द स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल। देन कम्स द डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स। दिस इज कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ईच डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल देन ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके क्या बना देते हैं, पेपिलरी डक्ट बना देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल से पार्ट्स थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास बात आ जाती है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारी जो बुक है उसमें हम लोग नेफ्रॉन को डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग हम उनको नाम दे देते हैं, उनकी लोकेशन के लिहाज से। ठीक है, अब लोकेशन के लिहाज से किस तरह देते हैं, सबसे पहले हमारे पास सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आ जाते हैं। इसको मैं आपको अगर डायग्राम से बना कर दिखाऊं तो ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है। दैट सपोज दिस इज़ रीनल कॉर्टेक्स एंड दैट सपोज दिस इज़ द मेड्यूला। ठीक है, और ये हमारे पास मेड्यूलरी पायरामिड्स हैं। हमारे पास जो सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे उनका जो रीनल कॉर्पसल्स होते हैं, जो ऑफ कोर्स इस तरह से जो पार्ट होता है वो कहाँ पे लाया गया रहता है, वो हमारे पास आउटर पार्ट ऑफ ये जो हिस्सा होगा ना बाहर वाला, वहाँ पे हमारे पास रीनल कॉर्पसल और बाकी सारा एरिया लाया गया रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स इधर आ गए, और जो लूप ऑफ हेनले हैं वो हमारे पास कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, वो ये मेड्यूला के बस बाहर वाले पोर्शन तक एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होगी हमारे पास सुपरफिशियल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। उसके बाद हमारे पास बात करें अगर हम लोग मिड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है मिड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के जो रीनल कॉर्पसल्स हैं वो रीनल कॉर्टेक्स के ऐसे मिडल में से इधर से लाए कर रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेट एरिया आ गया और ये डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्टिंग डक्ट। खैर, उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले वो उनका कहाँ तक जाएगा, जो रीनल पायरामिड्स या मेड्यूलरी पायरामिड्स है उनके मिड तक इनका लूप ऑफ हेनले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होते हैं हमारे पास रीनल कॉर्पसल्स के बिल्कुल डीप अंदर जाके पड़े होते हैं, और इनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला के अंदर बहुत ज़्यादा डीप पड़ा होता है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको एक और डायग्राम से शो करूं, तो आप लोग अगर ये डायग्राम देखें, ये देखें, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें देखें कि कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं, ये एक सेकेंड, हाँ, कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनका लूप ऑफ हेनले, देखें, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, क्योंकि इतना डीप ये आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स और ये इनर पोर्शन है मेड्यूला। ठीक है, इनका लूप ऑफ हेनले देखिए कितना डीप जा रहा है, और कुछ नेफ्रॉन है जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ऊपर ही टर्मिनेट कर जाता है। तो इस लिहाज से हम लोग डिफरेंट नेफ्रॉन्स को डिफरेंट जो है नाम दे देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नेफ्रॉन। आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।